हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम जो कि लीट कोड में दी गई हुई है। और इस प्रॉब्लम को अगर आप पढ़ेंगे तो ये है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दी गई हुई है और आपको उसमें से एक सबस्ट्रिंग पता करनी है, और वो सबस्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम होगी, और वो दैट शुड बी द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम इन द सबस्ट्रिंग। तो वो जो सबस्ट्रिंग निकलेगी आपकी स्ट्रिंग में वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमको इस प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है। तो देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नेव सॉल्यूशन लगाऊंगा, यानी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊंगा, तो मैं किस तरह से करूँगा। तो उसको करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम में स्टेट करा गया हुआ है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग है। सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ और मेरे पास स्ट्रिंग दी हुई है BABAD, ये मेरे पास स्ट्रिंग दी हुई है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग की मैं बात करूँगा तो इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स तो पेलिंड्रोम है ही है। अगर आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये तो पेलिंड्रोम है ही है, लेकिन यहाँ पर एक पेलिंड्रोम है। तो ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो वन लेंथ के पेलिंड्रोम हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें BAB तो ये एक पेलिंड्रोम है जिसकी लेंथ है लेंथ 3, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ABA, ये एक और पेलिंड्रोम है जिसकी लेंथ 3 है। तो आपको वो सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिस जो पेलिंड्रोम भी है और उसकी लेंथ सबसे बड़ी है। यानी कि इस क्वेश्चन के केस में आप दो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, एक तो BAB और ABA, ये दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो कि आप इस केस में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करा जा सकता है? तो एक तरीका इसको अप्रोच करने का है कि हम इसको ब्रूट फोर्स वे में अप्रोच करें। तो ब्रूट फोर्स वे में अप्रोच करने का तरीका क्या है? ब्रूट फोर्स वे में अप्रोच करने का तरीका, देखें, यहाँ पर आपको बोला गया हुआ है, सबस्ट्रिंग की बात करी गई हुई है। तो आप एन स्क्वायर अगर स्ट्रिंग्स के आइड्रेशन करते हैं थ्रू एन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी से, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी से आप स्ट्रिंग के सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, और फिर हर एक सबस्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो एक पेलिंड्रोम है या नहीं है, और फिर उन पेलिंड्रोम्स में आप सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला पेलिंड्रोम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है, लेकिन हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच को नहीं अपनाएंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे एन स्क्वायर तो सारे सबस्ट्रिंग जनरेट करने में लग जाएगा, और एक स्ट्रिंग को पता करना है कि वो पेलिंड्रोम है नहीं है, तो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। तो टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इस केस में अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे तो वो आएगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब सोल्यूशन अप्रोच आएगी। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिस सोल्यूशन को हम अपनाएंगे, जिस सोल्यूशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इस सोल्यूशन को कर सकते हैं, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हैं। और जो टेक्निक, जो प्रोग्रामिंग टेक्निक का मैं यूज़ करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम जो आपको करना है, जो सबसे पहला काम आपको करना है, मैं बेसिक कोड लिख देता हूँ। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, बेसिक कोड हम लोग लिख देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कोड लिखते हैं, और बेसिक कोड किस तरह से होगा? तो बेसिक कोड में हम देख सकते हैं कि ये जो मेथड है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, ये मेथड आपको दिया गया हुआ है, और अभी इस मेथड में मेरे को एक आर्ग्यूमेंट दिया गया हुआ है स्ट्रिंग। तो बेसिक हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ पता कर लेते हैं। तो एन इक्वल टू, सपोज मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये मैंने पता कर लिया है। और अगर आपकी लेंथ 1 है, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज जस्ट ऑफ लेंथ 1, तो स्ट्रिंग आपकी ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। तो इस केस में आप ये आपका एक बेस केस हो जाएगा जिसमें आप केवल स्ट्रिंग को रिटर्न करवा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक सोल्यूशन, ये तो हमारा एक बेस केस हो गया। पर अब हमको देखना है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा है, तो हम इस केस में किस तरह से सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी का हम लोग यूज़ करेंगे वो है DP प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर सपोज मैं इसी स्ट्रिंग को ले लेता हूँ। तो हम लोग जाते हैं और मैं ओपन करता हूँ, पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं। और अगर आप देखेंगे मेरे को जो स्ट्रिंग दी गई हुई है वो स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग है BABAD। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग मुझे दी गई हुई है, तो इस स्ट्रिंग को मैं लिख लेता हूँ, ये मेरी स्ट्रिंग है BABAD। और अब मुझे पता करना है कि स्ट्रिंग में सबसे बड़ा पेलिंड्रोम कितनी लेंथ का है। तो हम इसको करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लगाएंगे और हम एक टेबल बनाएंगे। तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 5, तो मैं 5x5 की डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो किस तरह से हम लोग इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस DP टेबल को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी स्ट्रिंग 5 लेंथ की थी, तो मैंने 5x5 की DP टेबल कंस्ट्रक्ट करी है। सबसे पहले अब इस जो टेबल है उसको मुझे किस तरह से फिलअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम इसको फिलअप करेंगे और हम लोग
फिल अप करने के लिए जो स्ट्रैटेजी को मैं अप्लाई करूंगा वो है गैप स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी को हम लोग अप्लाई करेंगे दैट विल बी नोन एज अ गैप स्ट्रैटेजी। तो हम लोग गैप लेते जाएंगे, सबसे पहले जो गैप होगा वो जीरो लेंथ का होगा, फिर जो गैप होगा वो वन लेंथ का होगा, फिर जो गैप होगा वो टू लेंथ का होगा, उसके बाद जो गैप होगा थ्री, और फिर फोर लेंथ का गैप होगा। तो जब आप जीरो लेंथ के गैप लेंगे, जीरो लेंथ का जब गैप होगा तो कौन कौन से सब स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे? एक तो बी जनरेट होगा, ए जनरेट होगा, बी ए और बी, ये डिफरेंट काइंड के सब स्ट्रिंग्स हैं जो कि जनरेट होते जाएंगे। लेकिन जब आप वन लेंथ का गैप लेंगे, तो वन लेंथ का गैप मतलब कि ये बी और ए के बीच में जो गैप है वो वन लेंथ का है। तो यहाँ पर जो सब स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे वो होंगे बी ए, ए बी और बी ए, बी ए बी ए डी है ये स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर बी ए बी ए डी इस तरह से मैं लिख लूँगा, और यहाँ पर बी ए ए बी, बी ए एंड ए डी, ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँगा गैप टू, गैप स्ट्रैटेजी अगर मैं टू लेता हूँ, तो जो जो सब स्ट्रिंग्स मेरे पास आएंगी वो आएंगी बी ए बी। इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से बात करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ कि ये जो डीपी टेबल है उसको मैं फिलअप कैसे करना शुरू करूँगा। तो देखिए, सबस्ट्रिंग्स की पहचान क्या होती है? ए सबस्ट्रिंग अगर पेलिंड्रोम है तो उसकी पहचान क्या होगी? सपोज मैं लिखता हूँ बी ए बी ए बी, क्या ये पेलिंड्रोम है? इट इज ऑफ कोर्स अ पेलिंड्रोम। तो हम इसको करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक अपनाते हैं। देखिए, अगर लास्ट टू कैरेक्टर्स मैच कर जाते हैं, तो लास्ट टू कैरेक्टर्स मैच और जो अंदर की जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी एक पेलिंड्रोम है, इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो एक पेलिंड्रोम है। तो इस तरह से मैं, मेरे को अगर कोई सबस्ट्रिंग दी गई हुई है, तो मैं ये टेस्ट कर सकता हूँ कि वो सबस्ट्रिंग पेलिंड्रोम है या वो सबस्ट्रिंग पेलिंड्रोम नहीं है। ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, सपोज अगर मैं इस वाले यहाँ पर अगर मैं हूँ, इस वाले ब्रैकेट में हूँ, इस वाली सेल को मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो मैं शुरू कर रहा हूँ ए से। यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिए आप, मैं शुरू कर रहा हूँ इस वाले ए से और मैं एंड कर रहा हूँ इस वाले ए से। तो मेरे पास जो स्ट्रिंग आएगी वो आएगी ए बी ए। तो अगर ये ए बी ए पेलिंड्रोम है तो मैं इसको ट्रू मार्क करूंगा, नहीं तो मैं इसको फॉल्स मार्क कर दूंगा। उसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पर मैं इस सेल को फिलअप करूंगा, तो मैं शुरुआत करूंगा ए से और मैं जाऊंगा डी तक। तो मेरे पास जो स्ट्रिंग थी वो थी बी ए डी। मैं शुरुआत करूंगा ए से और एंड तक जाऊंगा मैं डी तक, और यहाँ पर मैं फिलअप करूंगा इस तरह से कि अगर ए बी ए डी एक पेलिंड्रोम है तो यहाँ पर मैं ट्रू लिखूंगा और नहीं तो मैं इसको फॉल्स लिखूंगा। तो इस तरह से मुझे इसको जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि कोड में जाते हैं और हम लोग कोड में जाके इस सोल्यूशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डीपी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो इसको करना हमारे लिए बहुत आसान है। ए आर आर को मैं लिख लेता हूँ False for in range suppose n, क्योंकि n लेंथ है, n रोज एंड n कॉलम्स हैं, तो इसी को ही मुझे अगेन जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर for range n, इस तरह से मैंने ये जो dp टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये जो dp टेबल है इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। और अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि गैप, अगर सपोज मेरा जो गैप है वो जीरो है, यानी कि जो मेरे पास स्ट्रिंग आएंगे वो सिंगल लेंथ के आएंगे, तो वो तो ऑफकोर्स पेलिंड्रोम होंगे ही होंगे। दे आर ऑलवेज, अगर एक स्ट्रिंग की लेंथ वन है तो दैट इज ऑफकोर्स अ पेलिंड्रोम। तो सबसे पहला काम हम लोग इस dp टेबल को फिलअप करने के लिए ये कर लेते हैं कि मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, सपोज मैं बोलता हूँ एन, और जितने भी आपके जो सिंगल लेंथ सबस्ट्रिंग्स हैं उनको मैं ट्रू बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ए आर आर आई और आई, इसको मैं जाके क्या बना लूँगा, ट्रू। इस तरह से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बी और बी, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मैं इसको फिलअप करना शुरू करता हूँ इस डीपी टेबल को, और फिलअप करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, इसको मैंने ट्रू बना लिया है, इसको ट्रू बना लिया है, इसको ट्रू बना लिया है, ये ट्रू बन गया है, और अगर आप चाहेंगे तो इसके नीचे वाली सेल भी ट्रू बन गई है। तो इस तरह से इस डीपी टेबल को हम लोग अब फिलअप करना शुरू कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जाके ट्रू बना लिया है, और ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि अगर आपकी स्ट्रिंग लेंथ वन की होगी तो ऑफकोर्स एक पेलिंड्रोम होगी। तो अब मैं बात करूंगा स्ट्रिंग लेंथ टू की। तो मैं इफेक्टिवली इस वाली सेल को भरूंगा, इस वाली सेल को भरूंगा, इस वाली सेल को फिलअप करूंगा और इस वाली सेल को फिलअप करूंगा। तो बी से स्ट्रिंग शुरू हो रही है और ए पे जाके खत्म हो रही है। बी और ए सेम नहीं है इसलिए ये एक पेलिंड्रोम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिखूंगा। ए से ये स्ट्रिंग शुरू हो रही है और बी पर खत्म हो रही है, ये दोनों स्ट्रिंग्स देखिए ए और बी सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी मैं क्या लिख लूंगा, फॉल्स लिख लूंगा। ओके, अगेन बी से ये स्ट्रिंग शुरू हो रही है और ए पे जाके खत्म हो रही है, तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग्स भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको
फॉल्स मार्क करूंगा, और अगेन ए पे ये स्ट्रिंग शुरू हो रही है और डी पे जाके खत्म हो रही है, तो ए और डी सेम नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी आप फॉल्स से फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये डीपी टेबल को अब मैंने फिलअप करना शुरू कर दिया है। अगेन अगर आप जाएंगे, अब ध्यान देने वाली बात है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो इस तरह से अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मैं जाके सपोज इस वाले सेल को भरता हूँ, तो अगर आप देखेंगे ये स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही है और बी पे जाके खत्म हो रही है, और जो अंदर है, सपोज मेरे पास बी ए बी है, तो व्हाट इज इनसाइड, जो अंदर है वो है ए, तो क्या ये एक दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। तो ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर सेम होना चाहिए, और फिर अगर इसके एडजेसेंट, इसके इसके डाउनवर्ड्स वर्टिकल में अगर मेरे को ट्रू मिला है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा। अब देखिए आप, ए से शुरू हो रही है स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग खत्म हो रही है ए पे जाके, इट इज ऑफ लेंथ 3, गैप इसमें हमने 2 का गैप दिया हुआ है, तो गैप स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं, ए से बी, बी से ए, गैप 2 का है, और यहाँ पर अब मैं इस सेल को जाके फिलअप करूंगा, तो ए और ए मैच कर रहे हैं, और अंदर वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ पर भी मुझे ट्रू मिला हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, ट्रू लिख दूंगा। और फिर अगली जो स्ट्रिंग है, दैट इज ऑफ लेंथ 3 इज बी ए डी, तो बी ए डी इज ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ पेलिंड्रोम बिकॉज बी एंड डी आर ऑलरेडी नॉट मैचिंग, तो लास्ट के कैरेक्टर्स को आप मैच करवाते हैं, और अगर वो मैच नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। उसी तरह से अब आप फॉर लेंथ गैप हम देंगे, अब हम देंगे गैप 3 का, तो यहाँ पर जब मैं गैप 3 का दूंगा तो इस वाली सेल को और इस वाली सेल को मुझे फिलअप करना है, तो पहले मेरे पास आएगा बी ए बी ए जो कि एक पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि लास्ट टू कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, और फिर मेरे पास जो सबस्ट्रिंग आएगा वो आएगा ए बी ए डी जो खुद भी एक पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि लास्ट टू कैरेक्टर भी मैच नहीं कर रहे हैं और अंदर वाली स्ट्रिंग भी एक पैलिंड्रोम नहीं है और ये भी एक पैलिंड्रोम नहीं है। सो हमारे पास ट्रू आ रहा है इसके केस में और इसके केस में, और हमारे पास सिंगल एन कैरेक्टर्स तो सभी ट्रू आ रहे हैं, पर मेरे को रिटर्न करनी है वो वाली स्ट्रिंग जो कि सबसे लंबी है और एक पैलिंड्रोम है, तो एक तो मेरे पास वो स्ट्रिंग बन रही है जो बी से शुरू हो रही है और बी पे खत्म हो रही है, यानी कि बी ए बी, और एक स्ट्रिंग मेरे पास है जो ए से शुरू हो रही है और ए पे खत्म हो रही है, तो मेरे पास वो स्ट्रिंग बनेगी ए बी ए। तो आप इन दोनों आंसर्स में कोई भी आंसर आप रिटर्न कर सकते हैं, तो ये कर पाना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की हम लोग बात करेंगे, तो किस तरह से मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं गैप स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, फॉर आई इन रेंज, सपोज मैं बोलता हूँ, तो हमारी रेंज 1 से लेकर जाएगी और हमारी रेंज 1 से लेकर एन तक चलती चली जाएगी, तो ये मेरी रेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं जे को बनाऊंगा, तो जे कहां से चलेगा, फॉर जे इन रेंज। ओके, तो हमको देखना है कि यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं आई की और फिर मैं बात कर रहा हूं जे की, तो जे हमारा किस तरह से चलेगा, तो जे यहां पर मैं बोलता हूं 0 से स्टार्ट होगा और एन माइनस आई तक चलेगा इस तरह से। तो यहां पर आई गैप है और फिर अब मैं जे को इंडेक्स मान के उसमें मैं गैप को ऐड करता जाऊंगा, तो आई विल कीप ऑन एडिंग गैप टू द इंडेक्स जे, और फिर हम लोग देखते जाएंगे कि वो एक स्ट्रिंग एक पेलिंड्रोम है या वो एक स्ट्रिंग पेलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पर जाने के लिए मेरे को पता करना है, क्योंकि मुझे पता करना है कि वो स्ट्रिंग कौन सी है, उस स्ट्रिंग को मुझे रिटर्न करना है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ कि उस वेरिएबल का नाम है मैक्स लेंथ, और उसको मैं 0 से इनिशलाइज कर लेता हूँ, एक पॉइंटर में ले लेता हूँ स्टार्ट और एक पॉइंटर में ले लेता हूँ एंड, यानी कि वो स्ट्रिंग जो सबसे बड़ी होगी उसका मैं स्टार्ट और एंड स्टोर करना चाहता हूं, तो स्टार्ट को भी 0 रख सकते हैं और एंड को भी हम लोग कंफर्टेबली 0 रख सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम लोग जाएंगे और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मुझे चेक करना है कि जो मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और स्ट्रिंग में अगर jth पोजीशन पे अगर वो बराबर है j प्लस i के, अगर इस तरह से है, यानी कि अगर मैंने ये स्ट्रिंग ली है बी ए बी, तो बी ए बी स्ट्रिंग में इस वाले इंडेक्स पोजीशन पे और गैप है हमारा 2 का, तो अगर मैं बोलता हूँ इस केस में जे है 0, जे इज इक्वल टू 0, अगर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ बी ए बी, तो इस केस में जे की वैल्यू 0 है और जो गैप है यानी कि आई के थ्रू मैं गैप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और गैप इज इक्वल टू 2, तो जे प्लस आई इज इक्वल टू 2, तो 0, 2, तो 0th इंडेक्स पोजीशन से 2nd इंडेक्स पोजीशन तक मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो 0th इंडेक्स पोजीशन और 2nd इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए। इफेक्टिवली मैंने वही काम यहाँ पर लिखा है, एस जे इक्वल टू एस जे प्लस आई,
ये काम तो होना ही होना चाहिए। और साथ साथ में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो सेल है उसको भी ट्रू ट्रू होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में जो सबस्ट्रिंग है उसको भी एक पेलिंड्रोम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रो बढ़ रही है और कॉलम एक से घट रहा है। तो यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ARR, क्योंकि रो को मुझे बढ़ानी है, तो रो इज रिप्रेजेंटेड बाई जे जे प्लस वन, और कॉलम मुझे एक से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाई जे प्लस आई माइनस वन। इस तरह से मैं चेक करूंगा। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है, यहाँ पर एक और चीज़ हमको कंसीडर करनी पड़ेगी, और वो कंसीडर ये करना पड़ेगा कि अगर मैं टू लेंथ के स्ट्रिंग्स को कंसीडर कर रहा हूँ, तो जब मैं टू लेंथ के स्ट्रिंग्स को कंसीडर करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो टू लेंथ की स्ट्रिंग है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा टू लेंथ वाली जो स्ट्रिंग है, वहां पर अगर मुझे चेक करना है तो मेरे को ये वाली सेल मिलेगी, ये इसके करस्पॉन्डिंग सेल को मुझे चेक करना पड़ेगा, जबकि इन सेल्स पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर आई की वैल्यू वन है, मतलब अगर मेरा गैप वन है, तो मैं डायरेक्टली इस कंडीशन के अंदर मूव हो सकता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को मैं ट्रू करवा लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ, और सपोज आई की वैल्यू अगर वन हो जाती है तो इस केस में मैं इस लूप के अंदर एंटर कर जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मैं इस सेल को ट्रू बना दूंगा। तो यहाँ पर जेथ इंडेक्स पोजीशन से शुरू करके जे प्लस आई इंडेक्स पोजीशन तक मैं जाता हूँ और इसको मैं ट्रू बना दूंगा। मेरे को पता चल गया कि एक पेलिंड्रोम है। क्यों एक पेलिंड्रोम है? क्योंकि लास्ट टू कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, और अगर आप देखें यहाँ पर जो डायगनली जो सेल मुझे नीचे की तरफ मिल रही है वो भी वन बन के आई हुई है, यानी कि अंदर की स्ट्रिंग भी एक पेलिंड्रोम है। और ये एक स्पेशल कंडीशन मैंने रखी है कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो टू लेंथ की है, और उसको आपको चेक करना है कि वो एक पेलिंड्रोम है या नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक काम हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने कंडीशन दी हुई है इसको मैं चेंज करके बोल देता हूँ मैक्स गैप, और इसको इनिशलाइज कर लेते हैं हम लोग जीरो से। तो अब जैसे जैसे मेरा गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुझे हायर लेंथ की पेलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स मुझे मिलती जाएंगी। तो अब मुझे यही कंडीशन को चेक करवाना है कि यहाँ पर जो करंट गैप है, इफ आई इज ग्रेटर, जो करंट गैप है, जो मेरा करंट गैप है वो मैक्स गैप से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन द मैक्स गैप। अगर ऐसा है तो मुझे स्टार्ट और एंड की क्या वैल्यूज लेनी पड़ेगी? तो जो मेरा स्टार्ट हो जाएगा वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है जे से, और स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हो रही है? स्ट्रिंग स्टेंड हो रही है जे प्लस आई पे। इस तरह से मैं इस लूप को आगे बढ़वाता चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम इस डायनेमिक टेबल, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इस टेबल को हम लोग फिलअप करते जाएंगे, और जब हम लोग फिलअप करते जाएंगे तो मेरी इस तरह से ये जो पूरी टीपी टेबल है थ्रू गैप स्ट्रैटेजी जो है वो फिलअप होती चली जाएगी। तो जब आप इसमें पूरा आप कर लेंगे तब आपको रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न आप क्या करेंगे? रिटर्न आप एक स्ट्रिंग करेंगे, और रिटर्न आप स्ट्रिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक करेंगे? मेरे को पता है कि स्टार्ट और एंड, ये मैंने दो इंडेक्स पोजिशन लिए थे, तो मैं स्ट्रिंग को रिटर्न करूंगा और मेरी कौन वाली स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी? मेरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, तो मेरी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड थी एस से, और मैं स्टार्ट से शुरू करूंगा और एंड प्लस वन तक मैं चला जाता जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करा है, और यहाँ पर जाके मैं इस वैल्यू को फाइनली रिटर्न करवा दूंगा। तो ये रिटर्न करवाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या आंसर आता है। तो लेट अस फाइन रन दिस कि ये सॉल्यूशन जो है इज इट वर्किंग फाइन। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ, लेट अस सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके सो फ्रेंड्स, जब हमने इसको चलाया तो ये जो हमारा बेस केस है जो वो एक्सेप्ट हो रहा है, और मैं इस कोड को फाइनली सबमिट करता हूँ। देखते हैं कि कोड हमारा चलता है कि ठीक से कि नहीं चलता है। ओके फ्रेंड्स, जब मैंने इसको रन करा तो ये सोल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इसके थ्रू मैंने इस गैप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके मैंने इस डीपी टेबल को फिलअप करा, और डीपी टेबल को फिलअप करने के साथ साथ मैंने पता कर लिया कि ये जो स्ट्रिंग है उसमें कौन सी सब स्ट्रिंग जो है वो हाईएस्ट सबसे बड़ी लेंथ की है। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को अप्रोच करा है। आई होप ये वाला डायग्राम जब आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं। तो वी हैव टू जस्ट कीप ऑन, सपोज जो भी आपके पास स्ट्रिंग है, जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसमें आप फर्स्ट कैरेक्टर को देखिए, लास्ट कैरेक्टर को देखिए, अगर वो मैच कर रहे हैं, और उसकी जो अंदर वाली स्ट्रिंग है अगर वो भी एक पेलिंड्रोम है तो पूरी स्ट्रिंग भी आपस फिर क्या बन जाएगी? एक पेलिंड्रोम बन जाएगी। इसका मतलब आप जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो डीपी टेबल आप बना रहे हैं वहां पर आप ट्रू मेंशन कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक